माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र उदयालु, नान्यम नैव जाने अजाने। प्यारे मित्रों, आज हम आपको ऐसे विषय की ओर लेकर के चल रहे हैं जिस विषय को हर व्यक्ति यही चाहता है कि जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में मुझको सफलता मिले, उस क्षेत्र में मैं प्रगति करूं। आप सरकारी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह से निजी रोजगार क्षेत्र में हैं, परिश्रम के पश्चात भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। परिश्रम आप काफ़ी करते हैं परंतु लाभ आपको उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको एक छोटा सा उपाय करना है और उसी छोटे से उपाय के द्वारा आपको लाभ भी मिलने लगेगा। आप जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। विष्णु यज्ञ का लाया हुआ थोड़ा सा भस्म और पितरों की स्वरूप से एक कुसा लेकर के उस कुसा से पितरों के स्वरूप को बनाना है कि हमारे पितृ देवता इस कुश में विद्यमान हैं। जब भी कोई पितरों की पूजा की जाती है तो कुशा का प्रयोग किया जाता है, तो कुशा का पूजन करना है पितरों के रूप में। वही जो भभूत विभूति हम लेकर के आए हैं विष्णु यज्ञ की, वह उन पितरों के ऊपर जो कुश का हमने बनाया है उसमें लगानी है और इसके बाद में गंगा जल से स्नान कराना है। यज्ञ की विभूति उन कुश के ऊपर लगा देने मात्र से सारे कार्यों की सफलता प्राप्त हो जाएगी आपको। आप जो भी करना चाहते हैं, आपका जैसा भी मन होता है, आप प्रयास अधिक करते हैं सफलता नहीं मिल पाती, यह सब पितरों का ही आशीर्वाद होता है, पितरों की ही कृपा होती है। हम प्रयास अधिक करते हैं परिणाम हमको उतना अच्छा नहीं मिल पाता। जब हम इस प्रकार की क्रिया को करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। गंगा जल चढ़ाइए पितरों के ऊपर, उस कुश को जो आपने पितर के रूप में रखा हुआ है, विष्णु यज्ञ की विभूति को चढ़ाइए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का एक अध्याय का पाठ आप करिए और इसके बाद में अमावस्या की जब तिथि होती है उस अमावस्या की तिथि में किसी भी नदी के तट पर जा कर के और उस जो कुश है जिसको आपने पितरों के रूप में अपने घर पे रखा हुआ है उनकी पूजा की है, उनको आप गंगा या यमुना जो भी नदी है उस नदी में विसर्जन करें। वहाँ पर रहने वाले ब्राह्मणों को आप यथा योग्य दान दें, आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, आपको हर तरह से प्रगति ही प्रगति होगी। आप जितना भी प्रयास करते हैं सफलता नहीं मिलती, इस क्रिया को करने से आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी, आपको अत्यधिक लाभ की अनुभूति होने लगेगी। इस तरह से पितरों की कृपा के माध्यम से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस उपाय को आप सभी को करना है और सभी को पितरों की कृपा प्राप्त हो, गंगा स्नान का जब फल प्राप्त होगा तो आपको और अधिक लाभ होगा। इसी के साथ जय माँ गंगे, जय माता दी।